उसी के लिए। ये वो सपना रहा कि सारण के धरती पर मेडिकल कॉलेज बने, आज वो सपना हमनी के आंख के सामने अब साकार होता। सारण के लोग के बहुत दिन से डिमांड रहे कि मेडिकल कॉलेज छपरा में बने के चाहिए। भारत के सरकार ये योजना के स्वीकृति बहुत पहले दे दल थी, चार साल पहले योजना के स्वीकृति हो गए दला। जब हम मंत्री बननी तो पता लगल कि छपरा में मेडिकल कॉलेज बने के बाद एक स्वीकृति भारत सरकार से मिलल बा, बिहार सरकार भी एक स्वीकृति दे दल बा, दोनों सरकार के मिल के पैसा लगा के जी मेडिकल कॉलेज बनावे के बाद जमीन बिहार के सरकार के देवे के बाद। ये सारा कुछ नीतिगत कागज पर तो हम पढ़ लेनी, लेकिन जब जमीन पर खोजे लगनी तो बहुत दिक्कत होत रहे, जमीन ना मिलत रहे। जमीन कैसे मिली ये बात के समस्या हमारा सामने रहे। एक दो एकड़ जमीन से काम ना चली, कम से कम 25 एकड़ जमीन चाहत रहे, और 25 एकड़ जमीन कहाँ मिलो। जौन बात रूढ़ी जी कहनी है वो बात के भी ध्यान रखे के रहे, कहीं सुदूर देहात में जाकर हुआ कोनो मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकत। जमीन यदि कहीं दूसरा ब्लॉक में मसरक पन्नापुर की ओर कहीं यदि जमीनों मिल गई तो जाके हम मेडिकल कॉलेज ना खोल सकत रानी। मेडिकल कॉलेज प्रॉपर लोकेशन पर होके के चाहिए, ये बहुत जरूरी रहे। जमीन के तलाश में लगनी सन, जमीन के तलाश ककेजी ले पहुंचनी सन ए जमीन तक कि ये जी जमीन मिल सकता सरकार के जमीन बा। फिर शिक्षा विभाग से 7-8 महीना तक लगातार प्रयास करनी, लगातार प्रयास कैला के बाद सीनेट सिंडिकेट तरह तरह के समस्या विश्वविद्यालय के अंदर। हम फीसी साहब के भी धन्यवाद देवे के चाहे, हम आज के दिन आर के महाजन साहब के भी धन्यवाद देवे के चाहे, और अपना विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जी के भी धन्यवाद देवे के चाहे, जो सब लोग लगातार प्रयास करे, और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव दीपक जी के, इस सब लोग जब एकरा पीछे लागल तब जाके 7-8 महीना के बाद जमीन के उपलब्धता भइल के जी जमीन मिली, यूनिवर्सिटी से जमीन ट्रांसफर हुई स्वास्थ्य विभाग के। फिर मामला चल गए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, फिर राजस्व भूमि सुधार विभाग में 1-1.5 महीना घूमनी पीछा पीछा, फिर ओकरा बाद कैबिनेट से स्वीकृति लेवे के रहे, फिर जाके कैबिनेट से स्वीकृति लेनी, तब अंत में जमीन क्लियर हुए। जमीन जब क्लियर हो गए तब टेंडर राज्य कोनो सरकार में, रूढ़ी जी ठीक कहते नहीं है, कोनो सरकार में सरकारी टेंडर फरियावल आसान ना होगा। संजीव रंजन जी जी सामने बैठल बनी हमने के पीएम संजील के हसतरे बेचारे हुए मेहनत करे ले बहुत। सरकारी टेंडर फरियावल आसान ना होगा, सरकारी टेंडर भाई टेंडर फरियावे में लागल 4-5 महीना, टेंडर अंत में फरिया गए सरकार के प्रक्रिया के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट दे दल गए, वर्क अवार्ड हो गए। 14-13-14 महीना पीछे लगातार पड़ला के बाद ये चीज आज जमीन पर उतरल बा, और जब जमीन पर उतरल तो हमरा मन में आयल कि ये योजना डबल इंजन सरकार के योजना बा, भारत के सरकार और बिहार के सरकार दोनों सरकार के ये योजना बा, दोनों सरकार के पैसा लागे वाला बा। आज से कुछ दिन पहले हमरा हाथ में वो अवसर आये जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के धरती पर बरौनी आई रहनी है, तो हम सोचनी कि बरौनी में हमारे प्रधानमंत्री जी भी रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहे, तो दोनों के उपस्थिति में एक शिलान्यास करवा दी। तो जहिया बरौनी प्रधानमंत्री जी आई रहनी है वो दिन एजी मेडिकल कॉलेज बनी, एक शिलान्यास प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के हाथ से हो गई। लेकिन शिलान्यास तो हो गए इसे दूर, मन में बात के कसक रहा कि इतना परिश्रम को के छपरा में मेडिकल कॉलेज बनल बा, तो छपरा में जाके कार्यक्रम को के ओजी लोग के जानकारी होके के चाहिए कि अब काम शुरू हो गए। तो आज के बारे में निर्णय भाई जो रूढ़ी जी कहते नहीं है 33,000 फीट की ऊंचाई पर हम और मुख्यमंत्री जी साथे रहने से, वो हवाई जहाज में ही मुख्यमंत्री जी से बातचीत भइल, ओकरा बाद निर्णय भइल कि 2 गो मेडिकल कॉलेज जेकर
कार्यारंभ करने के बाद छपरा पूर्णिया वो तुरंत हो जाओ, और छपरा के डेट आज के तय पे। और आज हमने सब के हूँ रूढ़ी जी और सारा प्रतिनिधि पूर्व जन प्रतिनिधि सब लोग आज ये जी हमने उपस्थित बनी सन, आज से ये जमीन पर मेडिकल कॉलेज बने के काम शुरू हो गई। और अभी हमने शिलापट पर जो पर्दा लागल वो पर्दा के भी उठा देव सन, दूगो शिलापट बा जो शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैले रहनी एगो शिलापट बा, और आज जो ने वो कार्यारंभ होता वो दूगो शिलापट बा, दोनों शिलापट के उद्घाटन हो जाए, और जोड़ा कंपनी के वर्क अवार्ड कर बा कंपनी आज से अपन काम है जी शुरू कर। 3 साल में मेडिकल कॉलेज के बना देवे के बाद 3 साल में मेडिकल कॉलेज बन जाए, लगभग जी 25 एकड़ में ही काम होता, 500 बेड के हॉस्पिटल हुई, 100 लड़का हर साल यदि डॉक्टर बनिए सर। आज से 3 साल के बाद जब मेडिकल के पढ़ाई शुरू हो जाए तो ओकरा बाद जब मेडिकल के पढ़ाई शुरू हो जाए तो हर साल यदि से 100 लड़का डॉक्टर बनकर निकले, वो लड़कन के रहे खातिर यदि हॉस्टल के व्यवस्था रही 531 वो बेड बनाता वो लड़कन के हॉस्टल खातिर, स्टाफ और डॉक्टर लोग जो रही वो लोग खातिर 100 को भवन बनी है जी आवासीय भवन बनी, जे मरीज रहे मरीज के परिजन के रहे में बहुत दिक्कत होला, आजो हमने देखी लेसन की कोनो अस्पताल तो बड़ा बन जाला लेकिन अस्पताल में मरीज के साथे यदि केहू परिजन जाला तो ओकरा रहे सूते में दिक्कत होला। ऐसे अब जोन भी हॉस्पिटल हमने बनवाओ तनी सर, हर हॉस्पिटल के साथ हमने परिजन खातिर धर्मशाला भी बनवाओ तनी सर कि जे आवे ओकरा धर्मशाला में रहे के व्यवस्था हो, ये हॉस्पिटल में 200 लोग के रहे खातिर धर्मशाला के भी साथ में व्यवस्था हुई। और जेकर चिंता रूढ़ी जी करत रहनी कि डिजाइन कैसन हुई मकान के स्ट्रक्चर कैसन हुई, रूढ़ी जी के हम इतना आज जरूर आश्वस्त करे के चाहे कि कारपोरेशन सरकार के व्यवस्था के अंतर्गत ही चलेला, वो व्यवस्था के अंतर्गत ही चलत भी बा चली भी, लेकिन वो व्यवस्था के अंतर्गत रहत जोन बेहतर से बेहतर डिजाइन हो सकता वो डिजाइन एजी के मेडिकल कॉलेज खातिर तैयार हुई बा। और रूढ़ी जी रुआ के हम आश्वस्त करें कि देश भर में जोन बेहतर मेडिकल कॉलेज रुआ देखले होके वो डिजाइन के मेडिकल कॉलेज छपरा में बने जाता। भूकंप रोधी रही, भूकंप के कोनो असर ए बिल्डिंग पर ना पड़े, प्रदूषण और मल जल उपचार भी हमें रहे जोन एक अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी रही, सारा आधुनिक व्यवस्था के चिंता ए हॉस्पिटल के निर्माण में कई गई बा। और हमरा खुशी भाई बतावत अपना सारण के धरती पर कि आज सारण में सारण प्रमंडल में दूगो मेडिकल कॉलेज के स्थापना के निर्णय भेल बा, एगो के आज हमने कार्यारंभ कर देने सर,